महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के गोडबंदर रोड पर एक शानदार सा चौपाटी पार्क बनाया गया है और इस चौपाटी की खूबसूरती और भी निखर के आ रही है जब यहाँ पर आप आके देखेंगे कि दो नेशनल पार्क के साथ साथ एक चंचल सी बहती हुई नदी यानी कि उल्लास नदी से जुड़ा हुआ ये पार्क है और इस पार्क को अब लगभग 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में बढ़ाया जा रहा है ताकि परिवार के साथ लोग यहाँ पर आके सुकून के पल जी सके, लोग ट्रैकिंग कर सके, लोग जॉगिंग कर सके और वीडियो ब्लॉगर्स अपने वीडियोस और रील्स भी बना सके। नहीं, लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक घाट भी बनवाया गया है ताकि गणपति विसर्जन के समय लोग सुविधाजनक यहाँ पर आकर गणपति का आराम से विसर्जन कर सके। पर लगता तो अब ये है कि यहाँ के आमदार श्रीमान प्रताप सर नायक जी से बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने ये पार्क बनवाया, क्योंकि लोग अपनी आदतों से मजबूर है। इतनी खूबसूरत चीज को किस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है, अब आप इसका जीता जागता सबूत देखिए। हमेशा सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें सारे संसाधन उपलब्ध कराए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं तो उसका सही तरीके से प्रयोग करें। कचड़े को डस्टबिन में डालने में आपको कितना वजन पड़ता है? क्या आप एक छोटे से कचड़े को अपने जेब में नहीं रख सकते हैं या नज़दीक के डस्टबिन में फेंकने में आपको कितना कष्ट होता है, सोचिए। एक सवाल तो अब टीएमसी पे भी बनता है कि पब्लिक तो कचरा फेंक ही रही है, पर टीएमसी अभी तक इस इतनी खूबसूरत जगह को साफ करने के लिए किसी को लगाया क्यों नहीं गया, क्यों इसकी देखरेख नहीं की जा रही है? मैं यहाँ के आमदार जी और टीएमसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ की एंट्री पे टिकट ज़रूरी होना चाहिए, भले ही 5 या 10 रुपये हों, पर ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो पैसा कलेक्ट हो उससे उस पैसे से दो रख रखाव करने वाले लोग लगाए जाएं ताकि इस खूबसूरती को हम मेंटेन कर सकें और जो पब्लिक यहाँ आ रही उन्हें भी थोड़ी सी एजुकेशन दे सकें कि कचड़े को डस्टबिन में फेंकें और हमारे देश की, हमारे शहर की और हर पार की खूबसूरती बनी रहे। नमस्कार।